डैश डैश बिकेम फर्स्ट अमेरिकन स्टेट पस रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदूफोबिया दैट इज़ डी जॉर्जिया। तो एक जॉर्जिया एक स्टेट है किसकी, अमेरिका की। अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया। उन्होंने क्या किया है, ये पहली अमेरिकन ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया है कि जो हिंदूफोबिया है उसको कंडेम किया है, ठीक है उसके ठीक है। तो द असेंबली ऑफ द US स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैज़ पास द रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया प्रिजुडिस टुवर्ड हिंदुइज़्म, मतलब कि हिंदुओं के ऊपर जितना भी हमारे पास हेटर्ड फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं ठीक है, और जितने भी अटैक्स वगैरह होते हैं उनके सब के बारे में, ठीक है उन सब के बारे को कंडेम किया है, ठीक है। किसने किया है, जॉर्जिया ने। जॉर्जिया एक स्टेट है किसकी, यूनाइटेड स्टेट की। तो जॉर्जिया पहली स्टेट बन गया यूनाइटेड स्टेट की जिन्होंने इस तरह का स्टेप जो है वो उठाया है हिंदूफोबिया के अकॉर्डिंगली। क्योंकि क्या होता है कि जो अमेरिका है या फिर यूरोप है तो वहाँ पे क्या होता है, हिंदुओं पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो उन अटैक्स को कंडेम किया है किसने, जॉर्जिया ने। तो इस तरह का इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है हिंदूफोबिया के अगेंस्ट, ठीक है, एंटी हिंदू बिगोट्री, मतलब कि एंटी हिंदू, जो हिंदू है उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलना, कुछ भी उनके बारे में अटैक करना, ठीक है, ये सारी की सारी बातों इनके लिए जो है ये इनको क्या किया है, कंडेम किया है, ठीक है। एंड द स्टेट्स द दैट, और उन्होंने ये भी बोला है कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, वी मस्ट रिस्पेक्ट इट, और 1.2 बिलियन पीपल मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो दिस हिंदू रिलीजन। तो हमें हिंदूफोबिया को क्या करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। सो हिंदूफोबिया है क्या, मैंने आपको बता दिया कि हिंदूफोबिया ये होता है कि जो हिंदूज है उसके अगेंस्ट ऐसे हेटेड रखना, ठीक है, उनको हेट करना, ठीक है, हॉस्टाइल डिस्ट्रक्टिव एंड डेरोगेटरी एटीट्यूड, मतलब कि उनके तरफ एटीट्यूड रखना कि ये छोटे हैं, हिंदू हैं, ठीक है, तो इस तरह की भावना रखना, उन पे अटैक्स करना, ठीक है, उनके उनको हेट करना, ये सारी की सारी बातें जो है वो हिंदूफोबिया के अंदर आती है। वो बिकेम्स द 31st मेंबर ऑफ नाटो। अब अभी आपको पता था जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसकी वजह से ही ये बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, ठीक है, नाटो, ठीक है, तो उसके कितने मेंबर थे, उसके 30 मेंबर थे। अब इस 31st मेंबर इसका एक और बना है, उसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड 31st कंट्री बनी है जो कि नेटो की सदस्य बनी है, ठीक है। फिनलैंड हैज़ बिकम द 31st मेंबर एंड न्यूएस्ट मेंबर है ये नाटो का। आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नाटो, एंड टर्की अनमोनियस वोट प्लेड ए की रोल इन फिनलैंड्स एक्सेप्टेंस एज ए नाटो मेंबर। अब क्या होता है, अब नाटो में 30 देश पहले से हैं, ठीक है, उसमें एक टर्की जो है वो भी इसमें है, ठीक है, नाटो में। अब किसी भी देश को नाटो का अगर मेंबर बनना हो ना, तो इन 30 के 30 देशों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो ये टर्की है ये क्या कर रहा था, इन जितने भी 29 देश थे वो तो फिनलैंड को एक्सेप्ट कर रहे थे कि इनको नाटो का मेंबर बना दो, बट टर्की इसमें थोड़ा सा टांग अड़ा रहा था, ठीक है, कि इनको हमने इसका मेंबर नहीं बनाना है। तो अब क्या किया है, टर्की ने ये इनको भी एक्सेप्ट कर लिया है, टर्की ने भी फिनलैंड को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए नाटो मेंबर। तो इसी की वजह से वो 31st मेंबर ऑफ नाटो बन गया है, ठीक है। आप पता है आपको फिनलैंड जो है वो बॉर्डर शेयर करता है 1300 किलोमीटर विद रशिया। तो रशिया की जो सिक्योरिटी बेसिस के चक्कर में फिनलैंड ये ऐसा शो करता है कि हम सेफ नहीं है रशिया के साथ, ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने नाटो ज्वाइन किया है, ठीक है। और टर्की और हंगरी ने, ठीक है, स्वीडन, आपको पता है कि स्वीडन ने भी अप्लाई किया था नाटो के मेंबर बनने के लिए, बट टर्की और जो हंगरी है, दो देश हैं, इन्होंने इसकी सदस्यता को मान्यता नहीं प्रोवाइड की, मतलब कि टोटल 28 देशों ने इनको मान्यता दे दी थी, बट जो दो देश थे टर्की और हंगरी, उन्होंने बोला कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे नाटो मेंबर की। तो इसी वजह से स्वीडन नहीं बन पाया है नाटो का मेंबर, ओनली फिनलैंड ही नाटो का मेंबर बना है। अभी आपको पता है नाटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, जो कि यूएसए ने बनाई है। ठीक है, यूएसए की कंट्रीज़ इसमें आती है, ठीक है, अमेरिका की इसमें कंट्रीज़ आती है और यूरोप की इसमें कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? ये इसीलिए बनाया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वार। अभी अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वार टू के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था रशिया और यूएसए के बीच में, ठीक है, यूएसएसआर और रशिया के बीच, सॉरी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। ठीक है, उसी के चक्कर में, ठीक है, यूएसएसआर जो सोवियत है उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो है ये नाटो बनाया गया था। इसका मतलब ये था, जो भी नाटो का सदस्य होगा अगर उसके ऊपर, ठीक है, अभी कितने 31 देश हैं, अगर इन 31 देशों में, इन 31 देशों में से किसी भी एक देश पे हमला होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो 31 जो देश है सभी देशों के ऊपर हमला है और वो मिलके उस बंदे के ऊपर, उस देश के ऊपर अटैक करेंगे जो कि अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, आपने याद रखना है। फिनलैंड, अब फिनलैंड के बारे में जानते हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है साना मैरिन, कैपिटल है हेलसिंकी और इसकी करेंसी है यूरो। वॉर एंड वीमेन बुक इज़ रिटन बाय, दैट इज़ एम ए हसन। तो एम ए हसन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वॉर एंड वीमेन। ठीक है, तो ये वीमेन के बारे में है। ठीक है, कब की है? जो बंगाली वीमेंस है, ठीक है, आपको पता है कि 1971 का वॉर हुआ था। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार जो है वो कहाँ पे हो रहा था, बांग्लादेश में हो रहा था। वहाँ की बंगाली वीमेन को ज़बरदस्ती उनके साथ सेक्सुअल वॉयलेंस जो है वो करते थे। ठीक है, तो जितने भी ये सफ़र हुए थे, जितनी भी ये फीमेल सफ़र हुई थी सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल वॉयलेंस के थ्रू इन 1971 के वॉर के टाइम, उनके बारे में जो है ये बुक लिखी गई है, वो लिखी है एम ए हसन ने, वॉर एंड वीमेन, जो कि लॉन्च हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, डॉक्टर एम ए हसन की बुक है वॉर एंड वीमेन, इज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल के। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसका 52nd एडिशन चल रहा था, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, वॉर एंड वीमेन रिटन बाय एम ए हसन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या बन जाती है, बुक बन जाती है। ठीक है, द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, किसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था? बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी एक पार्लियामेंट है, कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, और जो आपको पता है UNHRC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वो हैज़ बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर अ डेकेड। ठीक है, मतलब कि 10 साल के बाद जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है दिया गया है किसको? सी लाशिंदा डेमस को। ठीक है, लाशिंदा डेमस को दिया गया है ये अवार्ड। अभी हुआ क्या था, अभी लंदन में गेम्स हुई थी, ओलंपिक गेम्स 2012 में, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक स्प्रिंटिंग थी। स्प्रिंटिंग मतलब कि एक रनिंग, उसको हम बोलते हैं हर्डल रनिंग। ठीक है, जो एक हर्डल रनिंग थी वो एक रेस होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे हर्डल होते हैं, उसको पार करके हमने आगे जाना होता है और जो पहले पहुंचता है वो जीतता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो नताल्या अंत्युक थी, ठीक है, कहाँ की है ये? रशिया की है। ठीक है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसमें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे थे लाशिदा डेमस, उसको वो थे सिल्वर मेडल के ऊपर। अब क्या हुआ, जो ये गोल्ड मेडलिस्ट है ना, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इसके ऊपर चार्जेस लग गए थे किस चीज़ के? डोपिंग के, कि भाई इन्होंने इस तरह का पदार्थ खा लिया था जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड है, तो इसको प्रूव करने में 10 साल लग गए। ठीक है, अभी ये प्रूव हो गया है कि इन्होंने ये सच में खाया था, तो इनका जो गोल्ड मेडल है वो शिफ्ट कर दिया गया है किसको? लाशिंदा डेमस को। तो 10 साल बाद इनको ये गोल्ड मिला है। ठीक है, सो मोर देन अ डेकेड आफ्टर 2012 लंदन गेम्स, लाशिंदा डेमस अ स्प्रिंटर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट की, ये स्प्रिंटर है, रनर है। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडल एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में इनको क्या दिया गया, ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, और जो चेगिया जुआना हैंजुनोवा है उनको सिल्वर दिया गया है, और जो जमैका की कलिस स्पेंसर है उनको ब्रॉन्ज दिया गया है। मतलब कि एक एक करके ये शिफ्ट हुआ है आगे को, क्योंकि जो इनकी गोल्ड मेडल थी नताल्या अंत्युक, उनको वो डोपिंग के मामले में इसमें फंस गई है। ठीक है, अंत्युक जो थी उन्होंने बीट किया था डेमस को बाय 0.07 सेकंड से इन लंदन ट्रैक में। ठीक है,
अबाउट लंदन ओलंपिक्स 2012 के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लंदन में हुई थी ओलंपिक 2012 में। ठीक है, कम 27 जुलाई से 12 अगस्त 2012 तक ओवर 10,000 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किया था। 204 नेशनल ओलंपिक कमिटी पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट एंड कंप्लीटेड इन 26 स्पोर्ट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इसमें पहले नंबर पर रहा था 104 मेडल के साथ और 46 इसमें गोल्ड थे। चाइना दूसरे नंबर पर था 88 मेडल्स इंक्लूडिंग 38 गोल्ड्स। ये इतना ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, मेन आपने ये याद रखने है कि 10 साल बाद किसको गोल्ड मिला है, दैट इज़ लशिंदा देमस्को। और इनका क्या रखना है ये आपने याद, इनका नाम भी रखना है, याद रखना है, जिनको जिनका गोल्ड जो लिया गया है वो है नताल्या अंत्युक। ठीक है, और कितनी थी, 400 मीटर की ये हर्डल रेस थी। ये तीन बातें आपने याद रखनी है। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट टच ऑल टाइम हाई ऑफ दैट इज़ 15,920 करोड़। ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, मतलब कि डिफेंस के जो हमने इक्विपमेंट बनाए हैं उसको हमने बाहर बेचना है और देशों को, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब कि ऑल टाइम हाई। आज तक हमने इतना ज़्यादा अपने शस्त्र जो है बाहर नहीं बेचे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने इस साल जब बेचे हैं अपने शस्त्र औजार, ठीक है, वो है 15,920 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है हमारा डिफेंस का हो गया है। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 1 अप्रैल को बोला कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब कि ऑल टाइम हाई हुआ है 15,920 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, इंडिया और 2020-21 में ये 8,434 का था और 2019-20 में ये 9,115 का था और 2018-19 में ये 10,745 का था। तो ये ऑल टाइम हाई है 15,920 इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। आपने ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफेंस इसको इंक्रीज़ करने के लिए कैसे इंक्रीज़ हुआ ये, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन हमने इंक्रीज़ की, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा की, एक्सपोर्ट करने के लिए हमने प्रोमोट किया अपने इसको, अपने औजारों को, अपने जो जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मिसाइल्स हैं, ठीक है, उनको हमने प्रमोट भी किया, उनको हमने खुद बनाया भी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट, मतलब कि कुछ एक ऐसी लिस्ट जारी की है कि ये डिवाइसेस हम खुद इंडिया में बनाएंगे, उसमें 209 आइटम्स जो है वो इंक्लूडेड है, जिनको बाहर से खरीदना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब कि उनको हम बाहर से नहीं खरीद सकते, ठीक है, उनको हमने खुद ही भी बनाना है। ठीक है, इस वजह से भी हमारा प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और 2 डेडिकेटेड कॉरिडोर हमने बनाए हुए हैं, एक तमिलनाडु में और एक यूपी में, जहाँ पे जो है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, अब विज़न क्या है, विज़न भी आपने याद रखना है कि हमने $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है, टोटल टर्नओवर हमारा $25 बिलियन का होना चाहिए इन डिफेंस, इसमें से एक्सपोर्ट हमारा $5 बिलियन जो है वो होना चाहिए इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स बाय 2025। Which states becomes first state in India to have 100% electrified railway network, that is B, हरियाणा। तो हरियाणा एक ऐसी स्टेट बन गई है, मतलब कि पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जहाँ पे जितनी भी हमारी रेलगाड़ियाँ चलती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो कौन है, हरियाणा। तो इंडियन रेलवे हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन मार्च 2023। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन जाएँ, इससे क्या होगा, ठीक है, कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, धुआं है, ठीक है, PM 2.5 और 10 है, ठीक है, जो कि क्या हमारे पास एक तरह का क्या बोलते हैं हम इसको, ये सारी की सारी गैसेज जो हैं, हार्मफुल गैसेज जो कोयले के जलने से निकलती है वो नहीं निकला करेगी, जिससे हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ एक कदम हमारा और हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कवर एग्जिस्टिंग ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ  1,701 रूट किलोमीटर्स इन हरियाणा। तो इस वजह से क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि क्रूड ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है, बाहर से खरीदते हैं, अगर हम क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी रेल चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब क्या है, अब हम खुद बिजली बनाते हैं, खुद ही हम उस बिजली से हम अपनी ट्रेन चलाते हैं, तो क्रूड ऑयल को कम से कम हम इम्पोर्ट करेंगे बाहर से। और कार्बन एमिशन, मैंने आपको अभी बात बताई कि कोयले और जो क्रूड ऑयल के जलने से होता है
उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अबाउट इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे के पूरे वर्ल्ड का, और ये 1853 में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में ये बना था, ठीक है। इंडियन रेलवे कवर्स वास्ट नेटवर्क ओवर 67,000 किलोमीटर्स। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक एक्टिविटी इन दैट इज डी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, इंडिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट किया गया है, ठीक है। इनका जो ऑफिस है वो है संचार भवन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के बीच में, ठीक है। तो अब क्वांटम नेटवर्क का मतलब क्या है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क का मतलब क्या है, मतलब कि जो हमारे पास टेलीकॉम की सारी चीज़ें होंगी वो हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बेस्ड होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, क्वांटम होता है एक तरह का फोटोन मतलब कि एक तरह की लाइट, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ये सारी की कंप्यूटिंग बेस्ड है। इसको हैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक डाटा भेजना, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी क्या है, एक तरह की एडवांटेजेस हैं। तो टेलीकॉम जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है, यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग। सो क्वांटम कंप्यूटिंग से यूज़ करके हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को एक तो हम सिक्योर बनाएंगे, और दूसरा हम इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके मेन फ़ायदे हैं, ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपको पता ही होगा, अब आपने कोई बिट्स जो है आपने याद रखना है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, और जो बिट्स होती है ना वो हमारे पास जो जनरल आजकल कंप्यूटर होते हैं बिट्स की फॉर्म है, ठीक है, वो बिट्स पे काम करते हैं, और जो क्वी बिट्स हैं वो करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाले कंप्यूटर्स काम। जेड मोर टनल इज इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास जेड मोर टनल है जो कि स्टार्ट होने वाली है अप्रैल 2023 में। ये कनेक्ट करती है, जो जेड मोर टनल है ये कनेक्ट करती है गंगागीर और सोनमर्ग को ये कनेक्ट करती है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर ये सिचुएटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो नितिन गडकरी है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि हम इस तरह की 9 टनल्स जो है वो बनाई जा रही है जम्मू और कश्मीर के बीच में, और एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है जोजिला टनल वो भी रेडी हो जाएगी 2024 तक। अब जेड मोर टनल के बारे में जानते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जेड मोर जो टनल है, जोजी मोर टनल, ठीक है, जेड मोर का मतलब है जोजी मोर टनल, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसकी जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर की लेंथ है, बिटवीन गंगागीर एंड सोनमर्ग के बीच में, इन श्रीनगर ले हाईवे। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी हाइट है 11,578 फीट पे है ये, और इसको कौन बना रहा है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज़ NHIDCL इसको बना रहा है। अब जोजिला पास के बारे में जानते हैं, ठीक है। जोजिला पास जो है वो हाई माउंटेन पास है इन जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन नेशनल हाईवे 1, और ये किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर को ये लेह लद्दाख के साथ जोड़ता है। द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, दैट इज़ ए 1st of April। तो 1st of April को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो RBI जिसको बोलते हैं हम, उसका फाउंडेशन डे जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं। उड़ीसा इस दिन बना था, ठीक है, उत्कल दिवस भी इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। और 1 अप्रैल को हमने RBI का फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st April एवरी ईयर, ठीक है। और कब बना था RBI, 1 अप्रैल 1935 को बना था, और कौन सा एक्ट था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, और 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो कोलकाता में हुआ करता था, जो कि शिफ्ट किया गया मुंबई को 1937 में, ठीक है। और ये नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था, एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द ओनर ऑफ RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, जो आरबीआई होता है ना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। आरबीआई के अंडर जो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो जो भी रूल्स हैं, जो आरबीआई बनाता है वो सभी के सभी बैंकों को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और आरबीआई ने रेगुलेट किया था डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, रेगुलेट किया था कौन से एक्ट के थ्रू, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कि 1942 तक आरबीआई इशू द करेंसी नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द म्यांमार, ठीक है। 1942 तक, 1935 से लेकर 1942 तक ये करेंसी बनाता था इंडिया की भी और किसकी, म्यांमार की भी करेंसी, जो कि बर्मा उस नाम उस टाइम पे इसको बोलते थे, उनकी करेंसी भी यही बनाता था। और 1947 के बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब इंडिया की ही ये करेंसी बनाता था, ठीक है। हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है, मुंबई में। और गवर्नर कौन है आरबीआई के आजकल, दैट इज शक्तिकांत दास। आईएमएफ अप्रूव्स $15.6 बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर दैट इज बी यूक्रेन। सो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उन्होंने अपॉइंट किया है, कितना अप्रूव किया है, $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज है वो किसको दिया है, किसको दिया है, यूक्रेन को दिया है। अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रही थी, ठीक है, जिसके चलते यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, उसको फुलफिल करने के लिए यूक्रेन को $15.6 बिलियन की जो सपोर्ट पैकेज है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दिया है, ठीक है। टोटल जो ग्रांट मिलेगी ना आईएमएफ से यूक्रेन को वो मिलेगी $115 बिलियन, उसमें से जो उसी के अंदर आपका $15.6 बिलियन का सपोर्ट है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो द रशियन इन्वेजन मतलब कि रशिया ने अटैक किया है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, काउजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू श्रिंक बाय 30%, मतलब कि 30% से पिछले साल जो है 30% से इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज़ हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये सारा का सारा $115 बिलियन का जो पैकेज है वो दिया जाएगा किसको, यूक्रेन को, जिसमें हमारे पास एक रिलीफ है, एक तरह का रिलीफ है, डेप्ट रिलीफ है, ग्रांट है, ठीक है, एंड लोन्स बाय द मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह का ये जो पैकेज है ये टोटल 115 बिलियन का है, उसमें से $15.6 बिलियन का डॉलर जो हुआ है आईएमएम ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, करंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला है, अगर ये 2025 तक चलता रहेगा तो इट वुड रेज यूक्रेन फाइनेंशियल नीड फ्रॉम $115 बिलियन से $140 बिलियन जो है वो चाहिए फिर किसको, यूक्रेन को, अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, यही बोला है आईएमएफ ने, ठीक है। अब यूक्रेन के बारे में जानते हैं, अभी आपको पता है यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चला है, यूक्रेन इज़ द कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर रशिया, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल है कीव में, लोकेटेड इन द डिनपर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो डिनपर रिवर है उसके साथ ही हमारे पास कीव जो है वो लाई करता है इन नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन। प्राइम मिनिस्टर डेनिश शमायल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये सब जानते हैं। कैपिटल कीव, ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन और करेंसी क्या है, रन यनवा, दैट इज़ UAH, ठीक है। अब आईएमएफ के बारे में जानते हैं, अभी आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था उस 1944 में, ठीक है, उसी दिन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में ही वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था, ताकि हम जो पूरे के पूरे वर्ल्ड है उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें हम उन देशों की हेल्प करें जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डूब चुके हैं, ठीक है। और ये 190 इसके मेंबर्स हैं, 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर बना है December 1945 से, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ 24 मेंबर्स और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है के जॉर्जेवा, जो कि बुल्गेरिया के हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। -- सक्सेसफुली कंडक्ट्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अभी होता क्या था, जो हमारे पास PSLV है, SSLV है, उनका क्या होता है, उसके अंदर हम क्या आते हैं, ये एक तरह के कैरियर होते हैं, मतलब कि ये सैटेलाइट्स को ऊपर जाने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, जो PSLV SSLV है वो डैमेज हो जाता है और सैटेलाइट आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है, अब इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ RLV। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो ये लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर हम सैटेलाइट रखेंगे, सैटेलाइट जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल भी ऊपर जाता है, ठीक है, सैटेलाइट भी ऊपर चला जाएगा। जैसे ही सैटेलाइट ऊपर ये छोड़ देगा, तो ये जो लॉन्च व्हीकल है जो ख़त्म हो जाता था, इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली लैंड करवाया है, ठीक है। ये देखो, इसको सक्सेसफुली हमने लैंड करवाया है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली अपने लैंड आ गया, लैंड हो गया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, और सैटेलाइट्स को इसके थ्रू जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है, रीयूजेबल हो गया है, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2 मार्च को इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्टेड किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ठीक है। इसका नाम है RLV-LEX और ये कहाँ पे हुआ है, ये एरोनॉटिकल जो टेस्ट रेंज है ATR चित्रदुर्गा कर्नाटका में ये हुआ है, ठीक है। चिनूक इसमें किया क्या गया है, जो हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके थ्रू हमने इसको लेके गए हैं, एट द हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर की हाइट से हमने इसको नीचे छोड़ा है। इसमें ये पैराशूट भी लगा है, जैसे ये ग्राउंड पे आएगा तो ये ऐसे टायर्स पे आ जाएगा, जिस तरह से प्लेन लैंड होता है उसी तरह से ये भी लैंड हुआ, ठीक है। RLV टुक ऑफ 7:10 AM एंड लैंडेड एट द ATR डेयर स्ट्रिप एट 7:40 AM, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं और सैटेलाइट्स को भी भेजने के लिए, ठीक है। इसरो हैज़ डेवलप्ड द नेविगेशन सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर इट्स ओन, ठीक है। इसका जो सारा का सारा पार्ट है, लाइक नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर जो भी यूज़ होंगे इस पर्टिकुलर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में, वो सारा का सारा इसरो ने खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है। आप इसरो के बारे में आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके जितने भी हमारे पास रॉकेट्स हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके चेयरमैन है S. Somnath। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट्स कांगड़ा टी गेट्स यूरोपियन GI टैग, ठीक है। कांगड़ा की जो चाय है उसको यूरोपियन टैग जो है, यूरोपियन जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो मिला है। ये कौन सी स्टेट का है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांगड़ा, ठीक है। आपको धर्मशाला स्टेडियम तो पता होगा, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है धर्मशाला भी, ठीक है। तो ये कांगड़ा है, तो ये इसको यूरोपियन का GI टैग जो है मिला है कांगड़ा टी को, ठीक है। यूरोपियन जो कमीशन है EC, उन्होंने ग्रांट किया है क्या, प्रोटेक्टेड मतलब PGI प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, किसको, कांगड़ा की चाय को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक वैरायटी है चाय की, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, जो कि किस में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। कांगड़ा टी के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले जो कांगड़ा की चाय आई थी वो mid-19th century में आई थी, और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, डॉक्टर जेमिनसन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्जन थे, ठीक है। वो क्या लेके आए थे, वो बीज लेके आए थे चाय का, और उन्होंने कांगड़ा वैली में इसको क्या किया था, बीजा था, ठीक है। इन 1882 द कांगड़ा टी गार्डन वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कलकत्ता एग्जीबिशन। तो कलकत्ता में एक एग्जीबिशन हुआ था 1882 में, उस टाइम कांगड़ा की टी को गोल्ड मेडल मिला था वहाँ के एग्जीबिशन में, ठीक है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि जो एक ऑरेंज रस्ट होती है, जो कि जो हमारे पास टी होती है ना, चाय के जो बागान होते हैं उसमें अगर ऑरेंज रस्ट आ जाए तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है टी के गार्डन्स को, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे पास इसी तरह की बीमारी आई थी ऑरेंज रस्ट, जो कि 20th century में आई थी, जिसकी वजह से हमारे पास टी की जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ही कम हो गई थी। तो ये कुछ एक बातें आपने याद रखनी है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, कैपिटल इसकी समर कैपिटल शिमला है, धर्मशाला विंटर कैपिटल, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर - टू हेड नासास न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के एक रोबोटिक्स इंजीनियर है, ठीक है, जिनका नाम है अमित क्षत्रिय, ठीक है। अमित क्षत्रिय इनका नाम है, इंडियन ओरिजिन के रोबोटिक्स इंजीनियर है, जो कि हेड बने हैं नासा का एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, मून
टू मार्स प्रोग्राम, उसके जो हेड बने हैं वो बने हैं अमित क्षत्रिय जी। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन अमेरिकन इंजीनियर। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के, इनके दादा परदादा इंडिया के थे, बट इनकी जो आजकल सिटीजनशिप है वो अमेरिकन है, तभी इनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी आज के बाद जितने भी मून के लिए जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, जो जो भी काम किए जाएंगे, प्रोग्राम किए जाएंगे, वो इनके अंडर होंगे। ठीक है, और जो जो भी मार्स के लिए क्रूशियल जो प्रोग्राम्स होंगे वो भी यही देखेंगे अमित क्षत्रिय जी, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के क्या बने हैं, मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड बने हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 बिगिंस। अभी आपको पता है स्लीनेक्स क्या है, स्लीनेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो 2023 में इसका 10th एडिशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है 3 अप्रैल से। ठीक है, तो जो ये स्लीनेक्स है ये 3 दिन का होता है इसमें। ठीक है, मतलब कि 3 दिन के 2 फेज़ होंगे, मतलब कि टोटल 6 दिन का होगा ये। ठीक है, 2 फेज़ होंगे, पहला हार्बर फेज़ होगा, दूसरा सी फेज़ होगा। इसमें जो इंडियन नेवी का जो INS किल्टन है एंड INS सावित्री है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और श्रीलंकन नेवी का जो SLNS विजय बाहू एंड SLNS समुद्रा है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये चारों आपने याद रखने हैं, मेनली आपने इंडिया के याद रखने हैं, INS किल्टन एंड INS सावित्री जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर, ड्रोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी के पास है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो 9th एडिशन हुआ था पिछले साल वो हुआ था कहाँ पे, विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल इंडिया में, जो कि 10 मार्च 2022 को हुआ था, और इस बार का कहाँ पे हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम यही है कि इंडिया और श्रीलंका की जो नेवीज है वो आपस में अच्छे से अच्छे कोऑर्डिनेट करें, ताकि जो बाहरी अटैक हो, चाहे वो श्रीलंका के ऊपर हो चाहे वो इंडिया के ऊपर हो, तो अगर बाहर से कोई भी अटैक हो या किसी तरह की संदिग्ध एक्टिविटीज़ हो, उसको सॉल्व करने में दोनों के दोनों जो नेवीज हैं वो अच्छे से दोनों को सॉल्व कर सकें, इन सभी प्रकार के चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये सारी की सारी जो है स्लीनेक्स के अंडर आता है। स्लीनेक्स का ये 10th एडिशन है जो कि कोलंबो में हो रहा है 3 अप्रैल से। ठीक है, फिर कंक्वर माउंट कालीमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लच्छारी। ठीक है, लच्छारी क्या है, लच्छारी एक तरह की एक ड्रेस होती है जो कि कौन पहनते हैं, गद्दी ट्राइब के लोग पहनते हैं। ठीक है, गद्दी ट्राइब की कॉस्ट्यूम है जिसको बोलते हैं लच्छारी। ठीक है, जो कि तो क्वेश्चन ये है, हु कंकर माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका। तो जो माउंट कलिमंजारो है वो है अफ्रीका के अंदर, वो बहुत ही बड़ी एक पहाड़ी है, उसको चढ़ा है, ठीक है, उसको पार किया है, उसको चढ़ा है वियरिंग क्या पहन के, लच्छारी पहन के, वो पहली फीमेल कौन बनी है, दैट इज़ अंजलि शर्मा जी वो बनी है। ये धर्मशाला की है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से है अंजलि शर्मा जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गद्दी ड्रेस लच्छारी, ठीक है, लच्छारी जो है इसको पहन के, ये जो माउंट कलिमंजारो है ना साउथ अफ्रीका का, काउंट माउंट कलिमंजारो यहाँ पे चढ़ गई है। ठीक है, तो ये शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन गर्ल फ्रॉम इंडिया टू स्केल माउंट कलिमंजारो इन गद्दी कॉस्ट्यूम। ठीक है, और जो अंजलि शर्मा है इज़ वर्किंग, ये काम कर रही है टू प्रमोट द गद्दी कल्चर इन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स। इसके अलावा उन्होंने एट द एज ऑफ 15 अंजलि ने कहाँ पे चढ़ी थी, 5290 मीटर की हाइट वाली जो पीक है वहाँ पे चढ़ी थी पहले ही अटैम्प्ट में। ठीक है, और शी हैज़ ऑल्सो कॉन्क्वर्ड हनुमान टिब्बा एंड पहाड़ देव एट द हाइट ऑफ 6001 मीटर्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है माउंट कलिमंजारो को किसने कॉन्क्वर किया है, बाई वीरिंग लच्छारी, दैट इज अंजलि शर्मा। लच्छारी जो है एक लुनाचारी या लॉन्चारी बोलते हैं हम इसको, लॉन्चड़ी। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है हिमाचल प्रदेश की गद्दी ट्राइबों की। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब माउंट कलिमंजारो कहाँ पे है, ये अफ्रीका का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ठीक है, और ये तंजानिया में, अफ्रीका का एक तंजानिया देश है, वहाँ पे ये लाई करता है एट द हाइट ऑफ 5895 मीटर्स, दैट इज़ 19340 फीट पे एट द हाईएस्ट पीक।
ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कहाँ की, अफ्रीका की, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया था 1987 में। मोदी हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय डैश डैश फॉर बेस्टाइल डे परेड, ठीक है, जो फ्रांस होता है ना, फ्रांस है ना, वहाँ पे एक परेड होती है जिसका नाम है बेस्टाइल डे परेड, ठीक है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है। किसने बुलाया है? फ्रांस ने बुलाया है। सो फ्रांस हैज़ इन्वाइटेड पीएम नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस एज ए गेस्ट इन द एनुअल बेस्टाइल डे परेड, ठीक है, जो कि जुलाई 14 को होगी। अब ये जो बेस्टाइल डे परेड होती है ये क्यों होती है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दिन क्या हुआ था, 14 जुलाई को, 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 को क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो राजा था, वहाँ पे किंग मोनार्क डायनेस्टी थी, चलती थी वहाँ पे, मोनार्क सिस्टम था, राजा होते थे, तो राजा जो क्या थे वो अच्छे से जनता को नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे विद्रोह हुआ, दैट इज़ नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जुलाई 14, 1789 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसी दिन को मनाने के लिए बेस्टाइल डे के रूप में ये जो 14 जुलाई है इसको मनाया जाता है, और इसी दिन को मनाने के लिए जो है पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया है बाय फ्रांस ऑन द एज ए होस्ट, ठीक है, सॉरी एज ए गेस्ट फॉर द बेस्टाइल डे परेड, ठीक है। तो बेस्टाइल डे इज़ ए मिलिट्री परेड, ये मिलिट्री परेड होती है, फ्रेंच मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, 14 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है, कब था, 1880 के बाद, ठीक है, 1880 के बाद कंटिन्यूसली आज तक इसको हम मनाते हैं फ्रांस में, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री परेड इन द वर्ल्ड, तो आपने ध्यान नाम याद रखना है बेस्टाइल डे परेड, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 को और ये ख़त्म हुआ था नवंबर 1799 को, तो वो राजा से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल जो मेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे लागू हो गए थे। WHO certified which country as a malaria free recently, that is the Azerbaijan and Tajikistan. तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान इन दो कंट्रीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इनको सर्टिफाइड कर दिया गया है मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में, ठीक है। तो जो लास्ट केस है तजाकिस्तान और अजरबैजान में, वहाँ पे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो डिस्कवर हुआ था 2012 और 2014 में, उसके बाद कोई भी केस वहाँ पे नहीं आया है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास अजरबैजान और तजाकिस्तान को क्या किया गया है, मलेरिया फ्री कंट्री जो है घोषित किया गया है बाय WHO। डैश डैश बिकेम्स द फर्स्ट नेशनल पार्क टू हाउस अ फर्नेरियम, ठीक है। अब ये फर्नेरियम क्या है, फर्नेरियम एक तरह का घास होता है, ठीक है, जो कि एपिफाइटिक फैमिली से आता है। एपिफाइटिक फैमिली क्या होती है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी रूट्स, इसमें कोई भी जड़ हमारे पास ग्राउंड के नीचे नहीं होती, ठीक है। तो कहाँ उगता है ये किसी और पेड़, जैसे हमारे पास कोई और घास होगा उसके ऊपर से ये घास उगता है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं हम एपिफाइटिक फैमिली, ठीक है। इन एपिफाइटिक यही होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो घास, वो ग्राउंड के अंदर नहीं होती है, बल्कि ये किसी और प्लांट के सरफेस के ऊपर पैदा हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफाइटिक फैमिली। तो फर्नेरियम, तो इस तरह की घास जो है वो उगाई जाएगी कहाँ पर, इरविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला में है, तो ये इंडिया का पहला ऐसा पार्क बन गया है जहाँ पे फर्नेरियम जो है वो उगाया जाएगा, ठीक है। अबाउट एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये कन्नन देवन हिल्स में है, ठीक है, कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पे, ठीक है, आपने याद रखना है इरविकुलम जो नेशनल पार्क है यहाँ पे नील कुरंजी फूल भी है, ठीक है, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुद्दी पीक जो कि सदर्न साइड ऑफ द पार्क है, ठीक है। फ्लोरा क्या क्या होता है यहाँ पे, रोलिंग ग्रास लैंड यहाँ पे है एंड शोला फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। फाउना क्या क्या है यहाँ पे, नीलगिरी तहार गर स्लोथ बियर नीलगिरी लंगूर टाइगर लेपर्ड जेंट स्क्विरल एंड वाइल्ड डॉग यहाँ पे पाए जाते हैं।
हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। ठीक है, अब ये TIE क्या है? ठीक है, ये एक तरह की ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी बोल सकते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी एक ब्रांच हमारे राजस्थान में भी है, जिसका नाम है TIE राजस्थान। अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी जो नए नए लोग हैं वो अपना अगर स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया है, वो अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनकी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको एक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना जो स्टार्टअप है वो इजीली क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो TIE राजस्थान इज ए चैप्टर ऑफ TIE ग्लोबल एंड इन 2021 को इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट चैप्टर। ठीक है, और ये सब ये कब बना था? 2002 में बना था ये TIE राजस्थान। तो यहाँ की पहली वीमेन प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया गया है शीनू झावर जी को। ठीक है, तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है TIE राजस्थान की। TIE राजस्थान का मतलब क्या है? द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर शीनू झावर एज देयर प्रेसिडेंट फॉर द 2 ईयर्स, दैट इज 2023 से 2025 तक ये यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो ये 21 साल की हिस्ट्री, ये IE राजस्थान 21 साल से इंडिया में है, राजस्थान में है, तो इनकी हिस्ट्री में पहली बार कोई वीमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है शीनू झावर। नासा इलेक्ट्स फर्स्ट वीमेन एंड ब्लैक मैन फॉर आर्टिमिस 2 मून मिशन, दे आर दैट इज सी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो पहली वीमेन है नासा ने सेलेक्ट की है आर्टिमिस 2 मून मिशन के लिए, पहली वीमेन, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ये, और जो ब्लैक है, फर्स्ट ब्लैक मैन फॉर आर्टिमिस 2 मून मिशन, दैट इज विक्टर ग्लोवर। तो इन दोनों का नाम आपने याद रखना है, विक्टर ग्लोवर जो कि पहले ब्लैक इंसान है जो कि आर्टिमिस 2 मिशन में काम करेंगे, और क्रिस्टीना कोच पहली फीमेल है जो कि किसी भी नासा के मून मिशन में काम करेगी। ठीक है, आफ्टर अ 50 ईयर्स ऑफ ब्रेक, मतलब कि 50 सालों से कोई भी फीमेल मून मिशन में उन्होंने काम नहीं किया था, और जो कोई भी ब्लैक पर्सन ऐसा नहीं था जिन्होंने मून मिशन में काम किया था, तो पहली बार आर्टिमिस 2 जो मून मिशन है उसमें फ़ीमेल भी आ गई है और फर्स्ट ब्लैक पर्सन भी आ गया है। ठीक है, फीमेल कौन है? क्रिस्टीना कोच, और सॉरी फीमेल है क्रिस्टीना कोच, और ब्लैक पर्सन कौन है? विक्टन ग्लोवर। ठीक है, तो ये चार बंदे हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ए वीमेन एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच एंड ब्लैक एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर विल बी पार्ट ऑफ द लूनर मिशन। ठीक है, तो ये दो प्लस रेड वीजमैन एंड जेरेमी हैंसेन, ठीक है, ये कहाँ पे जाएंगे? ये मून के ऑर्बिट के पास, जो मून है ना उसके चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे। ठीक है, किस में बैठ के? जो इनका प्लेन होगा, जो भी इनका जो स्पेसशिप होगी उसमें ये चक्कर लगाएंगे, बट ये मून के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, मून में जाने के लिए एक अलग से मिशन होगा। ठीक है, मून में जाने के लिए ये बस इसको देखेंगे, इसको लोकेट करेंगे, इसके बारे में एजुकेट करेंगे खुद को, और नासा को भी एजुकेट करेंगे कि लूनर में क्या क्या होता है, किस किस तरह की घटनाएं जो है वो होती है। ठीक है, और ये 2022 और 2025 के आसपास जो हम इसको इन लोगों को वहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे? मून के आसपास, मून के ऊपर नहीं है, मून के आसपास है, और ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो और देखेंगे कि वहाँ की कंडीशंस किस किस तरह की है, ताकि जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो इंसानों को मून पे भेजा जाएगा एक बार फिर से, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट जो ह्यूमन स्पेस लाइट मिशन था मून के लिए वो अपोलो 17 था, जो दिसंबर 1972 में लॉन्च किया गया था, और जो फर्स्ट लैंडिंग थी मून के ऊपर वो अपोलो 11 के थ्रू हुई थी 1969 में। पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस एट दैट इज रानी कंपलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कंपलापति जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल से न्यू दिल्ली तक जो वंदे भारत ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विसेज बिटवीन रानी कंपलावती रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश एंड हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। तो इन दो रेलवे स्टेशन के बीच में जो है ये क्या करेगी, ये रन करेगी, ठीक है। और इसमें 701 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी 7 घंटे और 30 मिनट में, ठीक है। और ये डेली चलेगी एक्सेप्ट सैटरडे, सैटरडे के दिन ये नहीं चलेगी, बाकी ये सभी दिन जो है वो ये चलेगी। तो इसके जो स्टॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जो झांसी ग्वालियर है, झांसी में है वीरांगना लक्ष्मीबाई, पहला स्टॉप वहाँ पे होगा, दूसरा ग्वालियर में, तीसरा आगरा में। अब वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानते हैं। आपको पता ही है वंदे भारत ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है इंडिया की, और 80% जो वंदे भारत ट्रेन है वो इंडिया के द्वारा खुद मैन्युफैक्चर की जाती है, मतलब कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो खुद इंडिया वाले बनाते हैं 80%, ठीक है। और ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है इंडिया की जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। इसमें हमारे पास वाईफाई भी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक डोर्स भी इसमें, बायो वैक्यूम भी, टॉयलेट्स भी है, GPS भी इसके अंदर है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस टाइप की बहुत ही अच्छी साफ सुथरी जो है ये ट्रेन बनाई गई है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। ओपेक मेंबर्स अनाउंसेस कट इन ऑयल प्रोडक्शन एक्सीडिंग -- फ्रॉम मे, दैट इज ए 1 मिलियन बैरल पर डे, मतलब कि हाँ चलो, ऑन अप्रैल 2nd सऊदी अरेबिया एंड अदर ओपेक प्लस मेंबर्स, ठीक है। अब ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कि वो कंट्रीज जो ऑयल निकालती है और दुनिया को बेचती है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं हम ओपेक, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया प्लस और जो ओपेक के मेंबर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि वो कम से कम ऑयल को निकालेंगे, ठीक है, कम से कम ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि 1.16 मिलियन बैरल पर डे से भी कम ऑयल को वो निकालेंगे। इससे क्या होगा, अभी आपको पता है कि पिछले महीने जो है वो जो प्राइस था ऑयल का वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था, वैसे ये 90 और 95 के बीच में रहता है पर बैरल, ठीक है, बट ये $70 पर बैरल जो है वो हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था इसका रेट। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो ये ओपेक कंट्री है जो बहुत सारा ऑयल निकाल रही थी उन पे क्या हुआ, उनको घाटा हो गया। घाटा इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में जो है मार्केट में बिक रहा था। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ये प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है, 1.16 मिलियन बैरल पर डे से भी कम तेल ये पर डे निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको मार्केट में लाएंगे। अब ऑब्वियस ही बात है अगर ऑयल कम होगा तो प्राइस उसका ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसी प्राइस को इनक्रीज़ करने के लिए जो है इन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। अब जो ये ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में बगदाद में बनी थी, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका पर्पस यही है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको एक्सपोर्ट करना, उसका प्राइस डिसाइड करना, कितना तेल निकालना है, कितना किस कंट्री को देना है, तो ये सारा का सारा काम जो है ये मैनेज करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब ओपेक, ओपेक मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, जैसे 15 कंट्रीज़ हमारे ओपेक में आती हैं, लाइक अल्जीरिया, एंगोला, ये वही कंट्रीज़ हैं जो ऑयल निकालती है और बेचती हैं, ठीक है। इसमें आती है अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, एक्वाडोर, इक्वेटोरियल गुनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। अब ओपेक प्लस, अब इन 15 कंट्रीज़ के अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो ऑयल निकालती है, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम ओपेक प्लस, ठीक है। तो वो हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $100 मिलियन लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलेंट ग्रोथ प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट, दैट इज़ बी उड़ीसा। तो वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा को $100 मिलियन का लोन जो है देने का वादा किया है, क्यों किया है, ताकि
जो उड़ीसा में जितने भी तरह के डिज़ास्टर हैं, ठीक है, उनको मैनेज किया जा सके और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको पहले ही, मतलब कि जो उनके घर वगैरह हैं, नेचुरल जो डिज़ास्टर आते हैं, जैसे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है जिसकी वजह से लोगों के क्या हो गए, घर बर्बाद हो जाते हैं, ताकि वो घर बर्बाद ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या किया है, 100 मिलियन US डॉलर का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है उड़ीसा को। अब उड़ीसा का के बारे में जानते हैं, फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936, तभी 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, उड़ीसा का दिवस मनाया जाता है। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ बी नीरज निगम। तो नीरज निगम को क्या बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इज़ RBI। ऑन April 3rd द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड नीरज निगम, आपने याद रखना है NN, नीरज निगम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ डायरेक्टर, सॉरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED ऑफ RBI। ठीक है, इससे पहले क्या थे, इससे पहले जो निगम जी थे ये रीजनल डायरेक्टर थे भोपाल ऑफिस ऑफ द बैंक के, ठीक है, एंड विल नाउ अज्यूम हिज रोल एज ED। ठीक, द RBI मेज हिट दिस अनाउंसमेंट थ्रू द प्रेस रिलीज। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि जो RBI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं न्यू, वो बने हैं नीरज निगम। ठीक है, विद 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नीरज निगम हैज़ वर्कड इन द वेरियस रेगुलेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने रेगुलेशन और सुपरविजन में काम किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है, प्रीमिसिस करेंसी मैनेजमेंट में काम किया है, बैंक अकाउंट्स एट बोथ द सेंट्रल ऑफिस एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ RBI में भी इन्होंने काम किया है। तो इसी के चलते इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अभी आपको RBI के बारे में पूरा पता है कि RBI गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास। RBI कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को, और ये पहले कोलकाता में बना था 1937 में। इसको कहाँ पे लेके आए, मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर आजकल कहाँ पे है, दैट इज इन मुंबई। विच स्टेट इज टू सेटअप एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, दैट इज सी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक कमीशन बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है एजुकेशनल सर्विस सेलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो ये है, ठीक है, ये इस तरह का इन्होंने कमीशन बनाया है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, बेसिक स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल है, हायर स्कूल है, और टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक वगैरह, टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो उसमें टीचरों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन बनाया है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो वहाँ का सिलेक्शन बोर्ड है वही सेलेक्ट करता था टीचर बाय क्या बोलते हैं उसको, बाय टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा, जो अगर टेस्ट भी लेना हो, अब वो कौन लेगा, एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमेटी जो है वो लेगी। ठीक है, वो लेगी, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज़ भी यही लेंगे, और ये जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अलग से एक बॉडी बनाई है टीचरों को अपॉइंट करने के लिए, इसका नाम है एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो कि बनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस सेलेक्शन कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द कॉरपोरेट एंड इंटीग्रेटेड बॉडी एज ऑफ द टीचर सिलेक्शन कमीशन। मतलब कि जितने भी टीचर्स ये सेलेक्ट करेंगे कॉलेजेस के लिए या स्कूल के लिए, वो सारे के सारे इसी के थ्रू एक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, और जो प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट करेगा, वो करेगा एजुकेशनल सर्विस सेलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया कि बेसिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, टेक्निकल कॉलेज, सारे के सारे जो टीचर्स हैं यही करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, टाइम बाउंड सिलेक्शन प्रोसेस, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे डायरेक्ट इंटरव्यूज लेनी है, कुछ भी करना हो, प्रेजेंटेशंस लेनी है, तो ये सारा का सारा यही लेंगे। ठीक है, तो द न्यू कमीशन विल ऑल्सो कंडक्ट द UP TET। ठीक है, जो UP TET है, यूपी का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी यही लेंगे। मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा काम यही करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन होंगे, इसमें वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो होंगे, और या फिर ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द इंडियन IAS, मतलब कि जो IAS हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या तो वो होंगे इस
सिलेक्शन कमेटी में या फिर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं, और सीनियर जज भी हो सकता है एंड एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनलिस्ट भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। और बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग जो कमीशन बनाए उसके भी लोग इसमें होंगे। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का जो कमीशन बनाए उसके भी इसमें लोग होंगे। वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है, के जो कमीशन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे एज ए मेंबर। सो कॉप इंडिया फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज़ यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में कॉप इंडिया फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, ठीक है। इंडिया का जो सुखोई 30 है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो एक तरह का क्या करेगा, वॉर एक्सरसाइज करेगा। किसके साथ? अमेरिका का जो F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट है उनके साथ। तो ये दोनों आपने याद रखना है, सुखोई 30 इंडिया की तरफ से और अमेरिकन जो F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट से वो कहाँ से आएंगे, अमेरिका की तरफ से फाइट करेंगे, ठीक है। एक तरह की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जो ये सुखोई 30 है ये मेड इन रशिया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो कोप इंडिया इज़ ए सीरीज ऑफ वॉर गेम्स, तो इसी तरह की हमारी वॉर गेम जो है यूएसए के साथ चलती रहती है। ये 2004 से हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, 2019 तक तो ये कंटिन्यूसली हुआ था, बट 2019 के बाद 2020 में होना था, बट वहाँ पे क्या आ गया था, कोरोना आ गया था, कोरोना के चलते ये 4 साल तक पोस्टपोन हो गया। अब 2023 में फिर से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है, जो हमारे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, वो हम यूएसए के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के साथ क्या कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, फाइटिंग ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है किसी भी तरह के जो अटैक्स हैं उनको अवॉइड करने की, किस तरह से हमारी तैयारी है। हु वॉन मैन वीमेन फोर्थ फिर से करते हैं, वो वन मैन वीमेन फोर्थ एशियन खो खो टाइटल, ठीक है। फोर्थ एशियन जो खो खो का टाइटल है वो किसने जीता है, मैन में भी और वीमेन में भी, दोनों में जो है इंडिया ने नेपाल को फाइनल में हराया है, दोनों में, मैन में भी और वीमेन में भी, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा था ये तामुलपुर, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन दैट इज़ BTR ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आसाम, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल आसाम में तामुलपुर में ये जो खो खो का टाइटल है, एशियन खो खो का जो चैम्पियनशिप है वो वहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया के मैन में क्या हुआ, जो पुरुष की जो टीम थी इंडिया मैन बीट नेपाल बाय अ मार्जिन ऑफ 6 पॉइंट एंड अ इनिंग, ठीक है। और वीमेन में भी नेपाल को ही इंडिया ने हराया है, ठीक है, बाय एन इनिंग एंड 33 पॉइंट्स। तो आपने याद रखना है, दोनों मैन और वीमेन ने फाइनल में खो खो के एशियन खो खो चैम्पियनशिप के फाइनल में दोनों ने नेपाल को हराया है, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 16 टीम्स थी, ठीक है, 8 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी, टोटल इसमें 8 मैन की टीम थी और 8 वीमेन की टीम थी, ठीक है। तो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किया था, लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका और होस्ट कंट्री कौन थी, इंडिया थी। तो मैन और वीमेन टोटल इसमें थे, टोटल टीम 16 थी, इसमें 8 जो मैन की थी टीमें थी और 8 जो है वो वीमेन की टीमें थी। वो लॉन्चेस न्यू ओफेक 30 स्पाई सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट दैट इज ए इज़राइल। तो इज़राइल ने ओफेक 13 एक स्पाई सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि जासूसी करने वाला सैटेलाइट है, उसको क्या कर दिया है, ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है, मतलब कि अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए एक ऑर्बिट होता है, वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ओफेक 13 एक सैटेलाइट की एक सीरीज़ है, ठीक है, जो ओफेक है ना एक सैटेलाइट की सीरीज़ है, किसकी, इज़राइल की। जहाँ पे भी आपको ओफेक नाम याद आए, लिखा हुआ आ जाए, तो आपने डायरेक्ट समझना है कि इज़राइल की सैटेलाइट है, ठीक है। तो ओफेक 13 एक सैटेलाइट है, इज़ द लेटेस्ट एडिशन है ओफेक 13, इज़राइल का ओफेक सीरीज ऑफ स्पाई सैटेलाइट का, ठीक है। ये स्पाई सैटेलाइट क्या होता है, ये अपने बाउंड्री जो हमारे पास जो हमारे बॉर्डर्स एरिया होते हैं, ठीक है, इसराइल के जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे निगरानी का रखने के लिए और दूसरे देशों की निगरानी रखने के लिए जो है इसको ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 1988 से इन्होंने स्टार्ट किया है ओफेक सीरीज़, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग है और एबिलिटी टू ट्रांसमिट रियल टाइम इंटेलिजेंस टू द ग्राउंड स्टेशन, मतलब कि रियल टाइम का मतलब क्या होता है,
रियल टाइम का मतलब होता है लाइव पिक्चर्स, कहीं कोई भी कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी लाइव पिक्चर्स ये ग्राउंड में भेज देगा, ठीक है, ग्राउंड जो स्टेशन होगा वहाँ पे भेज देगा। तो फेक 13 सैटेलाइट इज आल्सो एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा स्पाई के अलावा, स्पाइंग के अलावा, जासूसी करने के अलावा कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, सिविलियन पर्पज़ में, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज की हमारी इसराइल की कंट्री में कहाँ कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर वाटर है, कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, डिज़ास्टर रिलीफ के एफर्ट, कभी डिज़ास्टर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है या फिर भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से डिज़ास्टर हो जाता है, तो डिज़ास्टर के रिलीफ के लिए जो सामान है वो हमने कहाँ कहाँ पे पहुँचाना है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो ये सैटेलाइट बताएगा इसराइल को, ठीक है। तो इसराइल का ये सैटेलाइट है उफेक 13 लॉन्च्ड फ्रॉम द पालमाचिन एयरबेस इन द सेंट्रल इसराइल, एंड ये एडवांस्ड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के साथ है, ठीक है, और इसराइल की मिलिट्री को ये, इसराइल की मिलिट्री और जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल, उसको ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने बॉर्डर्स की एज वेल एज जो इनके आसपास की जो कंट्रीज़ है उनकी भी। हु टेस्ट फायर्स एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है वो किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, दैट इज सी स्काईरूट एरोस्पेस। तो ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है ना, ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। और अभी अभी आपको एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि नवंबर 2022 में इन्होंने, ठीक है, जो ये स्काईरूट एरोस्पेस है, इन्होंने तो आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी, नवंबर 2022 में इन्होंने विक्रम एस लॉन्च किया था। विक्रम एस क्या था, ये किसी भी प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी का पहला रॉकेट था जो कि इन्होंने स्पेस में भेजा था। तो ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी जिन्होंने अपना रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था, वो है स्काईरूट एरोस्पेस। और अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है वो टेस्ट फायर किया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है, इसका इनका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस टेस्ट फायर्ड इट्स 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 200 सेकेंड ऑन अप्रैल 4, ठीक है। तो धवन 1 इन्होंने जो ये इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन, ये 2021 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था, और अब इन्होंने धवन 2 जो है वो क्रायोजेनिक इंजन वो लॉन्च किया है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन ऑन 2023। उनका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में जानते हैं, ये एक स्पेस टेक कंपनी है, ठीक है, स्पेस टेक स्टार्टअप है इंडिया के खुद का, ठीक है, और ये बनाता है लो कॉस्ट लॉन्च सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्होंने 3 लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, विक्रम 1, 2 एंड 3, एंड कैरी द पेलोड रेंजिंग फ्रॉम 200 kg टू 700 kg टू द लो अर्थ ऑर्बिट, और इनका हेड क्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। डेवलप MF हाइड्रा वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा, वो जो लॉन्च किया है नॉर्वे ने। तो नॉर्वे की कंपनी है नॉर्ड, ठीक है, नॉल्ड, इन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड का पहला फेरी टू रन ऑन MF हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन, मतलब कि एक तरह का हम इसको याच बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के ऊपर चलेगा, ठीक है, पानी के ऊपर चलता है ये, ठीक है। इसका नाम है MF हाइड्रा, जो कि चलेगा किसके ऊपर, किसकी वजह से, मतलब कि फ्यूल क्या होगा इसमें, लिक्विड हाइड्रोजन। अब लिक्विड हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन का फ़ायदा ये है कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है, किसी भी तरह का ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज होती हैं उनको ये एमिट नहीं करता है, तो उसको हम क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं। तो द वेसल, एक वेसल होती है ये, ठीक है, इसका नाम है MF हाइड्रा, जो कि पूरी की पूरी तरह से या तो बैटरी पे चलेगी या तो लिक्विड हाइड्रोजन के ऊपर चलेगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका एमिशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इनके जलने से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन नहीं होता है, ठीक है। जो नॉर्वे की मैरीटाइम अथॉरिटी है ग्रांटेड अप्रूवल टू ऑपरेट द याच, जो ये वेसल है इसको ऑपरेट करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है, ठीक है। अबाउट नॉर्वे, ठीक है, कैपिटल कहाँ पे है, ओस्लो में, करेंसी इज नॉर्वेन क्रोन एंड किंग इज हार्लार्ड वी ऑफ नॉर्वे। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू मेक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक कंट्री है जो कि गोल्डन लाइसेंस जो है वो लॉन्च कर रही है। इसका मतलब क्या है, गोल्डन लाइसेंस वो किसको लॉन्च करेगा, जो कि फॉरेन कंट्रीज हैं। ठीक है, उनके लिए गोल्डन लाइसेंस होगा। उस लाइसेंस के अंदर बहुत सारी क्या होगी, बहुत सारी छूट होगी। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी छूट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, स्ट्रीमलाइंड एक्सेस टू द गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, किसको, फॉरेनर जो कंपनीज़ हैं, जो और देशों की कंपनीज़ हैं उनके लिए, ताकि क्या कर सके, वो बाहर की फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वो इस बहरीन कंट्री में आ जाएं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वहाँ की सरकार को भी हो सकता है। तो ये बहरीन ने किया है, मतलब कि इन्होंने लॉन्च किया है गोल्डन लाइसेंस, ठीक है, ताकि बहुत सारे जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो उनके एरिया में, उनके बहरीन में बहुत सारी कंपनीज खोलें, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए। तो ये सारी की सारी कहानी है, आपने ये पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ इसी में बता दिया है। ठीक है, द लाइसेंस ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम तामकिन एंड द बहरीन डेवलपमेंट बैंक। अबाउट बहरीन के बारे में जानते हैं, ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है, ऑन द पर्शियन गल्फ एंड कंसिस्टेड ऑफ, इसमें 50 नेचुरल आइलैंड है और 33 इसमें आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसमें से सबसे बड़ा है बहरीन आइलैंड। ठीक है, तब कैपिटल ऑफ बहरीन इज मनामा। ठीक है, यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है, विद सुन्नी एंड शिया मुस्लिम आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल इन द बहरीन। नागरी दुबराज राइस ऑफ विच स्टेट वेराइटी गेट्स जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, दैट इज़ ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का एक चावल है जिसका नाम है नागरी दुबराज राइस, उसको क्या मिला है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो टैग मिला है। ठीक है, तो ये एक चावल की प्रजाति है नागरी दुबराज, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो मुरैना एंड रेवा मैंगो बोथ ऑफ मध्य प्रदेश हैव ऑल्सो गेट द GI टैग। ठीक है, मुरैना और रेवा जो मैंगो है वो दोनों मध्य प्रदेश के हैं, जिनको भी GI टैग जो है वो मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा मैंगो है, रामनगर भट्टा है और अदमचीनी राइस है, उनको भी बनारस के लिए उनको भी क्या मिला है, वाराणसी जो हमारा एरिया है उसके लिए वो उसको जो है इन सब चीज़ों का क्या मिला है, GI टैग मिला है। अब नागरी दुबराज राइस के बारे में जानते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ दुबराज इज़ बिलीव्ड फ्रॉम द श्रृंगेरी ऋषि आश्रम एरिया ऑफ सिवाहा। ठीक है, जो इस चावल का, ठीक है, जो रेफरेंस है वो वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। द राइस ऑफ लोकल वेराइटी एंड इट्स ग्रेन्स आर स्मॉल, ये छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, राइस इसका बहुत सॉफ्ट होता है टू ईट आफ्टर कुकिंग। ठीक है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ 6 क्विंटल। ठीक है, मतलब कि एक एकड़ जो ज़मीन होती है उसमें से हम कितना निकालते हैं, 6 क्विंटल जो है वो चावल निकाल सकते हैं। द हाइट ऑफ पेडी प्लांट इज़ शॉर्ट। ठीक है, एंड द मेच्योरिटी पीरियड इज़ 140 डेज। ठीक है, और ये किसको, किसने प्रोड्यूस किया है, माँ दुर्गा जो स्व सहायता ग्रुप है, ठीक है, ये एक वीमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, तो उन्होंने GI टैग के लिए अप्लाई किया था और उनको ये GI टैग जो है वो मिल गया है। ठीक है, व्हाट इज GI टैग, अब GI टैग होता क्या है, GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, ये एक यूनिक टैग होता है, जैसे सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो चाय है, ठीक है, उसको ये टैग मिल जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को, कि ये इन्हीं की चाय है। अगर कोई इस तरह की चाय और बनाता है और इस नाम से बेचना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वंस द प्रोडक्ट गेट्स द GI टैग, एक बार जो है किसी भी चीज़ के लिए GI टैग मिल जाए, तो कोई भी और कंपनी, ठीक है, उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट उसी नाम से नहीं बेच सकता फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। ठीक है, तो GI टैग आपने याद रखना है, 10 सालों तक मिलता है। फर्स्ट, GI ऑफ GI, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ
सॉरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन केम्स इन फोर्स 15 सितंबर 2003, ठीक है। दार्जिलिंग टी, सबसे पहले आपने याद रखना है जो दार्जिलिंग की टी है वो पहली थी इंडिया की जीआई टैग जो कि 2004 में जिसको मिला है। और जीआई टैग किस किस को दिया जाता है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड आइटम्स, स्पिरिट ड्रिंक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा, तो एक ये बात भी आपने याद रखनी है, द टैग इज़ गिवन इन द नेम ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और साइन विच सिंबलाइज द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो यूनिकनेस है उसको दर्शाता है कोई प्रोडक्ट, तो उसको क्या मिल जाता है, जीआई टैग मिल जाता है। तो उसी तरह का प्रोडक्ट कोई भी और संस्था, कोई भी और कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट जो है 10 सालों तक नहीं बना सकती। India has been elected as the member of UN Statistical Commission for that is D 4 साल, ठीक है। 4 सालों तक इंडिया को क्या बनाया गया है, UN का स्टेटिस्टिकल कमीशन में एक मेंबर बनाया है। और ये मेंबरशिप स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ UN स्टेटिस्टिकल कमीशन। द कमीशन किसके लिए है ये कमीशन, ये कमीशन है नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के लिए, एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द जॉइंट UN प्रोग्राम ऑन HIV AIDS दैट इज UNAIDS, ठीक है। और किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इकोसोक है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। सो इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ दिस कमीशन कब, 20 साल पहले इन 2004, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसमें 2 मेंबर चूज करने थे, एक तो इंडिया चूज हुआ है, दूसरा साउथ कोरिया चूज हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो स्टेटिस्टिकल कमीशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, और ये अपेक्स बॉडी है ऑफ द ग्लोबल स्टेटिस्टिकल सिस्टम, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम है उसकी एक सबसे बड़ी बॉडी है हमारे पास यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन। 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन दैट इज ए न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में जितनी भी डिफेंस पॉलिसीज है उसका एक डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये 7th एडिशन है इस डायलॉग का, ठीक है। इंडिया एंड जापान द टू कंट्री डिस्कस वाइज रेंज ऑफ इशूज़, मतलब कि बहुत सारे इशूज़ हैं, जापान को भी बहुत सारे इशूज़ हैं सिक्योरिटी के लेके, इंडिया को भी बहुत सारे इशूज़ हैं सिक्योरिटी के लेके, तो इनके बारे में इन्होंने आपस में बातचीत की है, एक दूसरे का कोऑपरेशन करने की बात की है, एक दूसरे का सहयोग देने की बात की है, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है। अब जापान के बारे में जानते हैं, जापान को हम निहोन या निप्पोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे जापान है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन आइलैंड, यहाँ पे 4 मेन आइलैंड है, होन्शू, होकाकाइडो, शिकोकु एंड क्यूशू, ठीक है। क्यूशू एंड होन्शू इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। एंड होन्शू, जो होन्शू है ये सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इट माउंट फुजी एंड इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहले नंबर पे इकोनॉमी आपको पता है यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज़ बी कर्नाटका। तो बंदीपुर जो है उन्होंने जो ये टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ये क्यों न्यूज़ में है, ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी अभी इन्होंने 50 ईयर सेलिब्रेट किए हैं, कंप्लीट किए हैं एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1st अप्रैल 2023, ठीक है। मतलब कि 50 साल हो गए हैं इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बने हुए, ठीक है। दिस रिजर्व इज लोकेटेड इन द कर्नाटका एंड स्प्रेड ओवर कितना एरिया है इसका, 912.04 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कर्नाटका की, लाइक मैसूरू एंड चामराजनगर, ठीक है। बंदीपुर वाज वन ऑफ द फर्स्ट 9 सेंचुरी। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1973 में। इसके अंतर्गत 9 ऐसे रिजर्व ढूंढे गए थे पूरे के पूरे कंट्रीज़ में, जहाँ पे क्या हो गया था, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया था 1973 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो आपने सीधा सीधा आंसर देना है 1973, ठीक है। द टोटल आज हमारे पास टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54, ठीक है।
तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिम कॉर्बेट, मानस, रणथंबोर, सिमलीहाल, बंदीपुर, पलमाऊ, सुंदरबन, मेघालटा एंड कान्हा नेशनल पार्क। तो इन सभी नेशनल पार्क्स में जो है जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द ईयर ऑफ 1973। गवर्नमेंट सेंक्शन लोन्स ऑफ मोर देन 40,600 करोड़ टू ओवर 1.8 लाख दैट इज ए वीमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर है उनको जो है 40,600 करोड़ का लोन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंक्शंस अ लोन ऑफ मोर देन 40,600 करोड़ रुपीस ओवर 1.8 लाख वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ठीक है इंडिया में, तो उनको तो उनकी संख्या है 1.8 लाख, उनको जो है टोटल लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 40,600 करोड़ रुपीज़ का। कौन सी स्कीम के अंदर? स्कीम आपने याद रखनी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, ये 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत जितनी भी SC और ST की जितनी भी फीमेल्स हैं ठीक है, उनको उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा लाने के लिए, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए ठीक है, तो के लिए क्या होगा, बहुत सारा लोन प्रोवाइड किया जाता है ठीक है इस स्कीम के अंदर। किसको? SC ST की जो वीमेंस हैं ठीक है। तो क्यों किया गया है? ताकि जो वीमेंस हैं SC ST कैटेगरी की जो वीमेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, अपना मैन्युफैक्चर करें, कोई भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर करना चाहे, छोटा मोटा जो भी काम होगा वो उसको मैन्युफैक्चर करें, उसको वो मार्केट तक लेके आए और अपनी क्या हो आजीविका वो कमा सके ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40,600 करोड़ जो है वो दे दिया है ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 की, विच स्टेट इज एट टॉप दैट इज़ डी, कर्नाटका। तो पूरे के पूरे देश में कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जिसने इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस देने के मामले में कर्नाटका सबसे टॉप पे है ठीक है। और इसके पैरामीटर क्या है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर थे जिसकी वजह से जो है ये लिस्ट जारी की गई, ये जारी की गई है 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, लाइक पुलिस कैसे बिहेव करती है, पुलिस किस तरह से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है, जुडिशरी किस तरह से प्रोवाइड करती है, प्रिजन्स में लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, और लीगल एड कितनी दी जाती है पर स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो ये 4 मेन पैरामीटर्स थे जिसके अकॉर्डिंगली जो कर्नाटका है वो पहले नंबर पर आया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, जो इंडिया की ये जस्टिस रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, ये जारी की है टाटा ट्रस्ट ठीक है। जो टाटा ट्रस्ट है उन्होंने ये जारी की है, फर्स्ट टाइम इन्होंने 2019 में जारी की थी और ये तीसरा एडिशन है 2022 का ठीक है। तो आपने याद रखना है कर्नाटका पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे और यूपी जो है वो लास्ट नंबर पे है 18th पोजीशन पे बिग स्टेट के अंदर, जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें ठीक है। तो जो छोटी स्टेट्स हैं उसमें सिक्किम पहले नंबर पे है ठीक है, तो और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा इज़ एट द बॉटम दैट इज़ 7th प्लेस पे है गोवा। तो आपने ये भी याद रखना है। हु हैज़ बीन डेकोरेटेड विद पोलैंड्स टॉप अवार्ड व्हाइट ईगल। तो पोलैंड का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है जिसका नाम है व्हाइट ईगल, जो कि दिया गया है वोलोदिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको पता ही है क्यों दिया होगा, क्योंकि रशिया के एग्रेशन को इन्होंने क्या किया है, दबा के रखा है अभी तक ठीक है। इसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड आपने यहाँ पर याद रखना है एंद्रेज डूडा, ये है प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड कंट्री है कहाँ पे? अब पोलैंड आपको पता है यूक्रेन के साथ ठीक है, यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी के साथ भी है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रशिया का भी पोलैंड के साथ आता है, लिथुआनिया का भी आता है, बेलारूस का भी इसमें बॉर्डर आता है। और पोलैंड के आप नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पर आता है एक बाल्टिक सी। धोनी एंड डैश डैश इंक्लूडेड
इंडक्टेड विद द एमसीसी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप दैट इज ए युवराज. तो धोनी और युवराज सिंह इंडक्टेड विद द एमसीसी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एमसीसी है ना, यह है मैरलेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि कहाँ का क्रिकेट क्लब है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड लंदन का. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक तरह की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप देते हैं किसको, क्रिकेटर्स को. ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो अपनी कंट्री के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हो अपनी कंट्री के लिए. तो इसमें जो एमसीसी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप है, ये इस बार 5 क्रिकेटर्स को दी गई. तो सबसे पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज एंड जूलन गोस्वामी. तो इन 5 को ये जो है मेंबरशिप दी गई है, किसके द्वारा, मैरलेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा. ठीक है, तो आपको पता ही है कि 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में विनर थे इंडिया. ठीक है, 2011 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था. ठीक है, तो ये सारे के सारे चैंपियन होने की वजह से जो युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है और सुरेश रैना है, इन तीनों को क्या दिया गया है, एमसीसी ऑनरी लाइफ मेंबरशिप का अवार्ड दिया गया है. इसके साथ साथ जो मिताली राज और गुचुलन गोस्वामी है, उनको भी ये अवार्ड जो है, ये मेंबरशिप का मेंबरशिप के ऑनरी लाइफ मेंबरशिप जो है इनको भी दी. वो बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल दैट इज ए किम कॉटन. जो ये किम कॉटन है, ठीक है, ये है न्यूजीलैंड की. ठीक है, ये क्या है, ये है अंपायर. ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जितने भी हमारे मेन के मैच होते थे, ठीक है, जो मेल के जो मैच होते थे, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल मैच होते थे, उसमें जो भी अंपायर होता था वो मेल ही होता था. ठीक है, बट पहली बार फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर. ठीक है, ऑफ फील्ड तो बहुत सारे एम्पायर रह चुके हैं वीमेन में, लाइक थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर. ठीक है, वो बहुत सारे रह चुके हैं, बट जो ऑन फील्ड, फील्ड पे दो ही एम्पायर होते हैं, एक स्क्वेयर लेग एम्पायर होता है, एक फ्रंट एम्पायर जो बॉलिंग के पास खड़ा होता है. ठीक है, तो दो एम्पायर होते हैं. तो वहाँ पे पहली बार फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर जो है वो फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल में जो अंपायरिंग की है, उनका नाम है किम कॉटन. तो ये न्यूजीलैंड की है, किम कॉटन. ठीक है, 5 अप्रैल को बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड अंपायर इन द फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल. कौन कौन, किस किस के बीच में था, न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका के बीच में ये मैच था. ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर प्लोस्क, ठीक है, हैड बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन ए मैन टेस्ट. ठीक है, शी डन द फोर्थ अंपायर. ठीक है, फोर्थ अंपायर, थर्ड अंपायर तो काफ़ी रह चुके हैं, बट जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं ना, वो पहली बार कोई फीमेल बनी है, जिनका नाम है किन कॉटन. शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड और मैच किसके बीच में था, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में. तो रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आर लाइक मैक्स वेरस्टैपन ने Formula 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स जीता है. ठीक है, वर्ल्ड थर्ड एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ड इन राजस्थान. BCCI साइंस हर्ब लाइफ एज इट्स ऑफिशियल पार्टनर फॉर IPL. ठीक है, सात्विक और चिराग, मैंने आपको पढ़ाया था, सात्विक और चिराग, इन्होंने स्विस ओपन का डबल टाइटल जीता है. नीतू गंगस, स्वीटी बोरा एंड निकत जरीन, इन तीनों ने क्या जीता है, वीमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, अपना अपना इन्होंने गोल्ड जीता है. एशियन हॉकी फेडरेशन ऑनर्स हॉकी इंडिया विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड फॉर सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ 2023 FISWC दैट इज वर्ल्ड कप. सो रानी रामपाल, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, रानी रामपाल फर्स्ट फीमेल एथलीट है जिनके नाम पे जो है कोई स्टेडियम रखा गया है. कहाँ पे रखा गया है, राय बरेली में. पंकज अडवाणी ने किसको रहा है, ब्रिजेश धमानी को, वो और जीता है, क्या जीता है, एशियन बिलियर्ड टाइटल. ISSF जो वर्ल्ड कप शूटिंग हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था. संपना रमेश शेलर बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट. पाक स्टेट कहाँ पे है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्टेट है, उसको बोलते हैं पाक स्टेट. ठीक है, उसको स्विम करके जो है सबसे फास्टेस्ट टाइम में कंप्लीट किया है, किसने, संपना रमेश शेलर जी ने. और इन्होंने 29 किलोमीटर्स, ठीक है, 29 किलोमीटर का एरिया है, इसको 5 घंटे और 30 मिनट में पूरा किया है. असम टू होस्ट एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023. तो आपको पता है कि आसाम में हो रही थी खो खो चैंपियनशिप तामुलपुर में, और दोनों मैन और वीमेन एडिशन जो है इंडिया ने जीते हैं, और दोनों में, मैन और वीमेन दोनों में, इंडिया ने नेपाल को फाइनल में हराया है.
इंडिया का जो रोहन बोपन्ना है एंड मैथ्यू ईडन है ऑफ ऑस्ट्रेलिया विन द मेंस डबल टाइटल एट इंडिया वेल्स मास्टर्स इन कैलिफोर्निया यूएस। बेंगलुरु टू होस्ट 2023 सैफ चैंपियनशिप इन जून एंड जुलाई। विच इंडो अमेरिकन फिजिशियन ऑनर्ड विथ यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यूएसए में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये किस बार थी, इस बार दिया गया है जो कि इंडो अमेरिकन है जिनका नाम है नित्या अब्राहम, ठीक है। इनके जो दादा परदादा थे वो इंडिया के थे बट ये अब सिटीजनशिप है इन्होंने ले ली है अमेरिका की, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका में पले बड़े हैं तो ये अमेरिकन ही कहलाते हैं बट इनके जो पूर्वज थे वो इंडियन थे तो इनको बोलते हैं हम इंडो अमेरिकन, ठीक है। सो नित्या अब्राहम जी उनको क्या मिला है, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो वो मिला है, ठीक है। और ये क्या है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर द मोंटेफेरो यूरोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च की है यूरोलॉजी के क्षेत्र में, यूरोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छी क्लिनिकल रिसर्च की है, ठीक है। तो ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर हेल्थ, तो ये इनका रिसर्च टॉपिक था, उसके बेस पे इन्होंने यूरोलॉजी में क्या की है, बहुत ही अच्छी रिसर्च की है जिसके लिए उनको यंग यूरोलॉजिस्ट ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसने दिया है, यूएसए ने दिया है यंग यूरोलॉजिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड। ये अमेरिकन यूरोलॉजिक जो यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है वो देती है, किनको देती है, जो यंग यूरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं यूरोलॉजी के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड जो दिया जाता है, ठीक है। द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश बाय डॉक्टर माइकल सी ओस्ट इन 2012 एंड 23, AUA यंग यूरोलॉजिस्ट कमेटी चेयर। वी स्टेट लीड्स इन GI टैक्स फॉर यूनिक लोकल प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मतलब क्या है, मतलब कि 2022 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो है वो किस स्टेट को मिले हैं, दैट इज़ बी केरला। केरला इसमें टॉप रही है, सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो इनको इन्हीं को मिले हैं। अभी आपको पता है, पूरी तरह से पता है कि GI टैक्स क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इनको इसको बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया है, मैंने बताया है, ठीक है। तो केरला को सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हैं 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। बहुत सारे केरला के प्रोडक्ट्स हैं, आपने इनका नाम याद रखना है, जैसे अट्टापड्डी, अटू कोम्बो, अवारा, इसको बोलते हैं बीन्स, अट्टापड्डी थुवारा दैट इज़ रेड ग्राम, ओनाकुटारा इलू दैट इज़ सिसेमे, ठीक है, कांथलूर वदंता वेलुथुली ये गार्लिक है, ठीक है, एंड कोडुलुंगर पट्टुवल्लूरू ये स्नैप मेलन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ की है, आपने याद रखनी है क्योंकि अजीब से नाम है तो आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये केरला के हैं, ये आ सकता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये नाम आपको दे दिया कि ये कहाँ का GI टैग है, किस स्टेट को इसका GI टैग मिला है गार्लिक का, दैट इज़ केरला को। अपार्ट फ्रॉम दीज 6 प्रोडक्ट्स फ्रॉम केरला जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, और यहाँ पे मिथिली मखाना ये कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है, ये बिहार का है। अलीबाग और वाइट ऑनियन फ्रॉम महाराष्ट्र, इनको ये GI टैग मिली है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों का नाम याद रखना है। लाइक तंदूर रेड ग्राम ए लोकल वेराइटी ऑफ पी फ्रॉम तेलंगाना, इसको भी मिला है। लद्दाख का रेक्टसे कार्पो एप्रिकॉट, लद्दाख इसको मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गमोसा हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम असम, इसको भी क्या मिला है, GI टैग मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हैं वो मिले हैं केरला को। Who has been banned for 4 years by NADA, ठीक है, that is C, संजीता चानू। तो संजीता तानू क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है, जो वेट लिफ्टर होते हैं जो इस तरह का वेट उठाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ऐसी गेम्स, ठीक है। तो इंडियन वेट लिफ्टर है ये, दो बार ये कॉमनवेल्थ गेम विनर भी है संजीता चानू। इनको बैन कर दिया गया है 4 सालों के लिए, किसके द्वारा, इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका नाम है नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको बैन किया है। क्यों बैन किया है, क्योंकि
कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे जैसे मटेरियल होते हैं जिनका सेवन करना जो है एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एथलीट है वो इस तरह के काम करते रहते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। तो इस तरह के पदार्थ अगर आपकी बॉडी में मिल जाए, किसी भी एथलीट के अंदर मिल जाए, तो उसको जो नाडा है उनको एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, द वेन वॉज एम्पोस्ड आफ्टर चानू टेस्टिव पॉजिटिव फॉर एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक स्टेरॉइड जो है इनकी बॉडी में मिला था। कब मिला था? जो कि गुजरात में जब नेशनल गेम्स हो रही थी गुजरात में सितंबर अक्टूबर 2022 में, तो उनको ये मिला था। ठीक है, तो जो ये एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है उन्होंने इसको बैन करके रखा है कि ये मटेरियल आपकी बॉडी में, एथलीट की बॉडी में होना ही नहीं चाहिए। बट ये इनकी बॉडी में मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको 4 साल का बैन जो है वो लगा दिया गया है बाय नाडा। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, अबाउट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, तो आपने ध्यान रखना है ये वाडा ने नहीं लगाया है इनके ऊपर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नहीं लगाया, ये हमारी जो अपनी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इंडिया की, उसने इसके ऊपर 4 साल का बैन लगाया। तो ये क्या है, ये एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ये देखती है कि इस तरह के स्टीरोइड्स जो है वो एथलीट्स को ना दे, स्पोर्ट्स पर्सन को ना दे। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि NCERT और नाडा आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह से बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि अपने आप की बॉडी को हमने स्वस्थ रखना है, इस तरह के स्टीरोइड्स नहीं लेने हैं, और एजुकेशन के साथ साथ क्या करना है, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना है। तो आपने याद रखना है NCERT और नाडा आपस में मिले हुए हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 नवंबर 2005 को। एफिलिएशन किसके द्वारा एफिलिएट किया गया है इसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इसके चेयरमैन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, वही इसके चेयरमैन होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस यही है कि एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हमने किसी भी तरह का एल्कोहल या फिर किसी तरह का स्टीरोइड जो है स्पोर्ट्स की बॉडी में नहीं मिलना चाहिए। वो बिकेम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन फोर्ब्स बिलीनियर 2023 लिस्ट। तो फोर्ब्स ने बिलीनियर 2023 की एक लिस्ट निकाली है, उसमें ये जो लिस्ट है ये है जितने भी स्पोर्ट्स ओनर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उनकी ये लिस्ट है कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अमीर निकले हैं वो है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, मुकेश अंबानी आपको पता ही है, आईपीएल की जो मुंबई इंडियन टीम है ये इनके अंडर है, और $83.4 बिलियन इनकी क्या है, नेटवर्थ है, जो कि सबसे ज़्यादा है स्पोर्ट्स ओनर में। ठीक है, दूसरे है स्टीव बाल्मर, जो कि एक प्रोफेशनल बास्केट टीम के ओनर है लॉस एंजलिस क्लिपर्स के। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $80.7 बिलियन। फिर आ गया रॉब वाल्टन, ठीक है, ये वॉलमार्ट फॉर्चून के ये ओनर है, और इन्हें डेनवर ब्रोंको एक फुटबॉल टीम, प्रोफेशनल फुटबॉल टीम के ये ओनर है। इनकी जो कुल वर्थ है वो है $57.6 बिलियन। तो ये तीन नाम आपने याद रखना है, ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, ये मुकेश अंबानी ज़्यादातर आपने याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, जैसे एफ पिनॉल्ट एंड फैमिली, ये इनका एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम है फ्रांस में, जिसकी जो नेटवर्थ है वो है $40.1 बिलियन। फिर मार्क मैटेस्चिड्स, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनके पास एक फुटबॉल प्रोफेशनल टीम भी है, एक फार्मूला वन रेसिंग टीम भी है, न्यूयॉर्क रेडबुल्स एंड रेडबुल रेसिंग के भी ये ऑनर हैं। तो इनके जो नेटवर्थ है वो है $34.7 बिलियन। महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, दैट इज बी राजस्थान। तो राजस्थान में महिला निधि, आपको पता है कि सबसे पहले जो महिला निधि जो खुला था वो खुला था तेलंगाना में, और तेलंगाना के बेस पे ही राजस्थान दूसरी स्टेट बनी थी जहाँ पे महिला निधि जो है वो खोली गई थी। ठीक है, ये लाइन आपने याद रखना है। ठीक है, पहले कहाँ पे आया था, तेलंगाना में, दूसरी बार कहाँ पे आया है, राजस्थान में। अब जो राजस्थान वाली महिला निधि है उन्होंने वो फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड जो है जिन्होंने लॉन्च किया है वो बनाया है। ठीक है, फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड जो है वो लॉन्च किया है महिला निधि ने। ठीक है,
सो महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड, ठीक है, वीमेन का एक कॉपरेशन, मतलब कि वीमेन्स आपस में कॉपरेट करेंगी और इसी तरह से इन्होंने अपना एक फंड जनरेट कर दिया है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर गिविंग 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द लोन्स ऑब्टेन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम महिला निधि, मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, अगर वो जाएंगी महिला निधि इसमें, ठीक है, महिला निधि में जाएंगी, अगर वो वहाँ से लोन लेती हैं अपना क्या करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो वहाँ से क्या लेती है, लोन लेती है। तो जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जो ये लोन लेंगी महिला निधि से, इनको 8% का क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, 8% की छूट इनकी लोन में दी जाएगी। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कहाँ की न्यूज़ है, ये है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। वी स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट, ठीक है, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश में प्रीवियस गवर्नमेंट थी बीजेपी की, ठीक है, अभी कौन सी गवर्नमेंट है वहाँ पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है, ठीक है। प्रीवियस गवर्नमेंट 2021 में ये 21 में इन्होंने ये एक्ट लाया था जिसका नाम था लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि एक मंथली पेंशन दी जाएगी 20,000 से लेके एंड 12,000, ठीक है, 20,000 एंड 12,000, दो टाइप की इसमें पेंशन थी। किनको दी जाएगी, जो लोग जेल किए गए थे 1975 से 1977 के टाइम, जो इमरजेंसी थी ना उस टाइम में जो लोग जेल किए गए थे उनको 20,000 रुपये और 12,000 रुपये की जो पेंशन है, मंथली पेंशन है, वो दी गई थी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट के थ्रू। बट अब कौन सी सरकार आई है वहाँ पे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की। तो उन्होंने क्या किया है, इस एक्ट को खारिज कर दिया गया है और जितनी भी ये पेंशन, मंथली पेंशन दी जानी थी उसको बंद कर दिया है। अमित शाह अनवील्स 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमाना एट दैट इज सी गुजरात। तो अमित शाह जी ने अपने होम विलेज में, ठीक है, जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पे इन्होंने 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ हनुमान, लॉर्ड हनुमान का 54 फीट लंबा जो है स्टैच्यू, उसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। जो ये सारा का सारा स्टैच्यू है ना, ये बना है ब्रॉन्ज से, ठीक है। इट वॉज इंस्टॉल्ड इन द हनुमान टेम्पल इन शाह होम टाउन दैट इज नारायणपुरा इन अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के नारायणपुर अहमदाबाद में जो है ये स्टैच्यू बनाया गया है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सबको पता है वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है गुजरात में, 182 मीटर लंबी है और 597 फीट की है, ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, बनाया गया था 2018 में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है, ये शिव नथवारा की एक मूर्ति है, मतलब कि शिवा की, शिव जी जो हमारे भगवान है, ठीक है, जो शिवा है उनकी ये मूर्ति है, ठीक है, और ये राजस्थान में है, 112.4 मीटर्स लंबी है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, ये बनाया गया था 2022 में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये इनॉग्रेट किया गया था रामानुजन की, ये क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू है, ये हैदराबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया, 65.8 मीटर इसकी हाइट है और 216 फीट हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर से तो 216 फीट है। वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट सीटिंग स्टैचू है ये और बनाया गया था 2022 में। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य की है, कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और ये 4 फीट की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।